नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो किया, अब सीधे तौर पर ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है। अमेरिका को धमकी दे दी गई है ईरान के रक्षा मंत्री के जरिए कि अगर अमेरिका ने इस पूरे मामले में कोई भी हस्तक्षेप किया तो अमेरिका को भी इसी तरीके से वो सबक सिखाएगा। यानी कि उनका कहना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश की, तो वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। ईरान के रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है, साथ ही क्या कुछ कहा है वो पूरी जानकारी आपको दूंगी, और आज क्या हो रहा है इस पूरे मामले पर, इसको लेकर भी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों, कि कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया इस मसले को लेकर, इस युद्ध को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि आखिर ये युद्ध ऐसे ही छिड़ता रहा तो किसी का भला नहीं होगा, कोई सुकून शांति से नहीं रह पाएगा। ऑलरेडी फिलिस्तीन के नागरिकों को, 50 से 60 हज़ार नागरिकों को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है दोस्तों, और अगर एक और युद्ध इधर शुरू हो गया तो आप सोचिए कि क्या स्थिति पैदा होगी और किस तरीके की स्थिति पैदा होगी। अभी ही अमेरिका के स्टॉक बाज़ार में ज़बरदस्त तरीके से जो है गिरावट देखने को मिली है, गिरावट दर्ज हुई है दोस्तों, तेलों के दाम में वृद्धि हो गई है। और अब ईरान ने अमेरिका को धमकाते हुए जो कहा है उसे आपको मैं खुद जो न्यूज़ पोर्टल के हवाले से, जो चैनल्स के हवाले से खबर आ रही है, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है इसराइल पर मिसाइल अटैक पर दखल वो ना दे। सीधे तौर पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वो इस अटैक पर दखल ना दे, जो मिसाइल अटैक की गई है उस पर वो दखल ना दे, अगर दखल देंगे तो फिर उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनके भी एयरबेस पर ऐसे ही अटैक होगा। दो टूक जवाब दे दिया है ईरान ने अमेरिका को दोस्तों। इस वक्त अमेरिका में भी ज़ोरदार तरीके से मीटिंग्स चल रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग। जो बाइडन की तरफ से भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, जो बाइडन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखे हुए हैं। ये सब इस दुनिया में देखने सुनने को मिल रहा है, जब इजराइल को लग रहा था कि वो जो कुछ कर रहा है, जो भी स्थिति पैदा कर रहा है वो सब सही कर रहा है, उसको गलत सही में फ़र्क नज़र आ ही नहीं रहा था। इतना अंधा नेतन्याहू गवर्नमेंट हो गई कि वो लोगों की, आम सिविलियंस की जान लेते हुए नज़र आ रहे थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि आम सिविलियंस उनके लिए कीड़े मकोड़े जैसे हो गए, और वो इस तरीके से अटैक कर रहे थे कि अब नेतन्याहू की हालत पस्त हो गई है। नेतन्याहू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी तमाम वीडियो, तमाम वो तस्वीरें एक एक करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यूएस अगर मदद करेगा इसराइल का तो उसको जवाब मिलेगा। अमेरिका को ईरान की सबसे बड़ी धमकी दे दी गई है, कहा गया है कि फिर आर पार की लड़ाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। वहीं आयतुल्ला सैयद अली खनमई का भी बयान आया दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अल्लाह की राह में शहादत उनके लिए जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्लाम का परचम लहराने के लिए जिहाद में गुजार दी एक अजीम इनाम है। तो इस तरीके की बातें जो है आयतुल्ला खनमई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जी हाँ, पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है। देखिए, कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान युद्ध में भारत को किसका साथ देना चाहिए, इस तरीके की भी राय गोदी चैनल्स के जरिए पूछनी शुरू कर दी गई है कि किस पर, किसको साथ देना चाहिए, ईरान का या इजराइल का। दोनों ही देश भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट देश कहलाते हैं दोस्तों, दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ हमला हुआ, और इस हमले को लेकर जो लगातार बयान आ रहे हैं, हर किसी का बयान आ रहा है। अब देखिए, कमला हैरिस का बयान आ गया है। कमला हैरिस कह रही है आज ईरान ने एक लापरवाह हमले में इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूँ। कमला हैरिस का ये बयान है, वो इस हमले की निंदा कर रही हैं। हालांकि आपको पहले ही उन तमाम हमलों की निंदा करनी चाहिए जो लगातार इसराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा था। इसराइल जिस तरीके से अटैक मूड पर था, उन तमाम चीज़ों पर आपको निंदा करनी चाहिए थी। अब देखिए, खबर ये भी आ रही है कि इसराइल के सबसे बड़े शहर तल अवीव के मशहूर शॉपिंग सेंटर आइलोम मॉल पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। जी हाँ,
मशहूर शॉपिंग सेंटर पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। लगातार जानकारी आ रही है कि कैसे ईरान मिलिट्री से लेकर तमाम लोग इस पूरी खबर को शेयर। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अब इस पूरे मामले पर कोई भी बदला लेने की तैयारी की जाती है तो उस बदले का अंजाम भुगतने के लिए तैयार इसराइल रहेगा और साथ में अमेरिका भी। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इसराइल पर 180 मिसाइल दागी। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो 400-400 मिसाइल दागने की बात करें, बहुत सारे दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन देखिए, भास्कर कह रहा है कि ईरान ने इसराइल पर कल रात 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें ज़्यादातर इसराइल की डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। इसराइल की जितनी भी डिफेंस सिस्टम थी, जो मजबूत सिस्टम थी, उसको नष्ट कर दिया गया। इजरायली डिफेंस सर्विसेज के मुताबिक हमले में किसी भी गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। फुटेज से पता चलता है कि ईरान ने मसौदा हेडक्वार्टर और भी कई एयरबेस पर हमला किया है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल ने इसका जवाब दिया तो वो और उग्र पलटवार करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजाश्कियान ने कहा है कि हमने इजरायल की आक्रामकता का जवाब दिया है, ये ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए ज़रूरी था, हमने बहुत सोच समझकर ये विचार किया और इस तरीके का फैसला लिया है। ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। IDF ने कहा है कि हम ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं, इन हमलों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, इसके लिए वक्त और जगह हम खुद चुनेंगे। इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक अहम बैठक की है। इसके बाद बाइडन ने सेना से कहा है कि वो ईरानी हमले से इसराइल की रक्षा करे और इसराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराए। हालांकि कहा जा रहा है दोस्तों कि इसराइल का जितना भी हाई लेवल जो ड्रोन्स थे, जो सिस्टम्स थे, उसको ईरान ने चुटकियों में, जी हाँ चुटकियों में, चंद मिनटों में तबाह कर दिया है। इसराइल बोल रहा है कि ईरान को जरूर जवाब मिलेगा। नेतन्याहू का बयान आया है कि ईरान को आज रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान ने, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। जो हम हमला करेंगे, हम भी उस पर हमला करेंगे। अब देखिए, इसराइल के विदेश मंत्री का भी कल रात बयान आया था कि आयतुल्ला शासन ने हद पार कर दी है, इसराइल चुप नहीं रहेगा, ईरान को इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। IDF के प्रवक्ता डैनियल हागरी ने कहा है कि हम ईरानी हमले का समय आ गया है, हम अपने मुताबिक ईरान को जवाब देंगे। वित्त मंत्री इसराइल के दोस्तों वो कह रहे हैं कि गाज़ा, हिजबुल्ला और लेबनान राज्य की तरह ईरान को भी अपने किए पर पछतावा होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पे तमाम जो डिफेंस सिस्टम है इनके, तमाम जो सिक्योरिटीज़ हैं, वो ईरान पर हमला करने की बात कर रहे हैं। हालाँकि ईरान दो कदम आगे चलते हुए अमेरिका को भी धमकी दे आया है और कहा है कि हम जो है, जी हाँ, हम इस पूरे हमले पर अगर कोई भी अटैक होता है किसी भी तरीके से तो उसका जवाब ताबड़तोड़ तरीके से देंगे। देखिए एक और खबर, इसराइल में बहुत बड़ा आतंकी हमला। हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इसराइल पर हमला रोका जा सकता था, बाइडन इस हमले को रोक सकते थे, लेकिन इस हमले को उन्होंने नहीं रोका। इस हमले पर उन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन अब खुद, जी हाँ, अब खुद इसराइल जो है वो पूरी तरीके से अपने बदले की आग में जलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मिसाइल्स की भी तस्वीर आ रही है, वारफेयर एनालिसिस पेज है जिन्होंने ईरान का मिसाइल जो गिरा इसराइल के अंदर उसको लेकर भी तस्वीरें शेयर की गई। वहाँ के नागरिकों ने उस मिसाइल को जो है, जो टुकड़ी है, उसको खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन टेकिंग सेल्फी विथ एन ईरानियन रॉकेट फेल इन रामल्ला, वेस्ट बैंक में जो है एक ईरान का जो फेल हो गया था रॉकेट, उस पर वहाँ के नागरिकों ने जो है सेल्फी पॉइंट बनाकर सेल्फी लेना शुरू कर दिया। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार दोस्तों सामने आ रही है कि कैसे बैठक हो रहा है। अब देखिए ग्लोबल आई न्यूज़ कह रहा है कि रशिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग कन्फ्रंटेशन ऑफ अमेरिका, रॉयटर रिपोर्ट्स। रशिया ने भी इधर जंग की तैयारी कर दी है अमेरिका को लेकर। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो यहाँ देखा जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक जो मुल्क है वो दो धड़े में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। रशिया ने तो ईरान का साथ देने की मन बना लिया। ईरान ने कहा है, ईरान को लेकर कहा है कि वो
आज उनके साथ खड़े हुए, जिस तरीके की अमेरिका की हरकत रही है, उस हरकत का वो जवाब हर हाल में देंगे अगर कोई भी किसी भी तरीके से इज़राइल और अमेरिका की तरफ से अटैक होता है। देखिए, ईरान मजाक नहीं करता, ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। ये वीडियो ईरानी मीडिया की तरफ से शेयर किया गया है, जहाँ पर उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, वो शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, मैं आपको कितनी वीडियो दिखाऊं, हर तरफ, जी हाँ, हर तरफ यही दिख रहा है, तबाही तबाही और तबाही, ज़बरदस्त तरीके का तबाही जो है इस वक्त इसराइल के अंदर मचा हुआ है। इसराइल भी अब कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले पर तैयारी करने में जुटा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई यूज़र्स जो हैं सोशल मीडिया पे, वो ये लिख रहे हैं कि ईरान अस्पतालों पर बमबारी नहीं कर रहा, ईरान शरणार्थी शिविरों पर बमबारी नहीं कर रहा, ईरान WC के सहायता कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं कर रहा, ईरान 20,000 इजरायली बच्चों को नहीं मार रहा, ईरान संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ताओं को भी निशाना नहीं बना रहा, ईरान स्कूलों पर भी बमबारी नहीं कर रहा, ईरान जो है इसराइल की तरह विक्टिम कार्ड खेलना भी नहीं कर रहा है। जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहा है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसराइल को अपना विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। जो लाचार और बेबस दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।